Ready? One, two, three, and Maya! रुको तो, तुम्हें तो अभी मैं बताती हूँ. हाँ, बताओ ना. मयंक, कोई है? ओह, ओके. अब सो सॉरी, डोर बंद करना भूल गया. अभी कर क्या? दरवाजे पर नहीं. ओ कम ऑन गुंजन, यहाँ कौन होगा? एक सेकंड, तुम रुको, मैं देखता हूँ. कौन है वहां? हेलो, कौन है? उठो, कौन है यहां पे? अरे कौन है यहां पे? उठो, ब्लैंकेट उठाओ ना. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर. चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू. चंदा है तू, मेरा सूरज है तू. तू थप्पड़ मार के उठा के नहीं देता इसे, अब भी उठ जाएगी. सबर करो, थोड़ा थोड़ा प्यार से प्लीज. देखो तुम जानती हो ना उसकी हालत क्या है. तुम कह किसे कब क्या होता है? जो करना है वो अपने कमरे में विक्रम के साथ करे ना, हम क्यों इसका पागलपन झेले. चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू. क्या हुआ गुंजन बेटा? विक्रम बेटा, तुम दोनों यहाँ? मौसी माँ देखिए ना, ये सब क्या पागलपन है. अब ये यहीं सोएगी क्या? विक्रम प्लीज इसे अपने कमरे में ले जाइए ना. ठीक है, मैं ही उठा देती हूँ. कुछ कुछ, अरे आराम से. छोड़ो ना मुझे अब. क्या मौसी माँ, प्लीज कुछ कीजिए ना. आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर मुझे. गुंजन शांत हो जाओ बेटा, हम तुम्हारी बात भी समझ रहे हैं, लेकिन देखो ना अब ये सो गई है, इसे उठाएंगे तो बेचारी डर जाएगी ना. अब तुम ही बताओ हम क्या करें. प्लीज गुंजन भाभी, आप अगर धीरे बोले तो अच्छा रहे. क्या है कि मिट्टू बड़ी मुश्किल से सोई है. और मिट्टू के यहाँ सोने की वजह से हमें जो मुश्किल हो रही है उसका क्या विक्रम? प्लीज इसे अपने कमरे में ले जाइए ना. गुंजन भाभी, हमें क्या आपको या मयंक भैया को तकलीफ देना अच्छा लग रहा है? लेकिन हम क्या करें, मिट्टू की मेडिकल कंडीशन ऐसा अलाउ नहीं करती. विक्रम डोंट वरी, इट्स ओके. मैं एक रात की तो बात है, मैं नीचे हॉल में सो जाऊंगा. इट्स ओके. एक मिनट, जब अलग ही सोना है तो अपने ही कमरे में सो, नीचे बिस्तर लगाकर नीचे क्यों जाओगे? हमारे रहते हुए आप गुंजन का मिलन दिवस कैसे मना सकते हो मयंक जी? मयंक जी और गुंजन का दिन तो खराब किया, लेकिन रात भी खराब की. वेल डन चारू. मयंक जी ने अंगूठी
उसी उंगली में देखी जो उसकी असली हकदार है। जो हमारा है वो हमारे दिल की तिजोरी में बंद रहेगा एकदम टाइट, और बाकी सब तो रहेंगे ना छिल्लड़ की तरह खनकने और उड़ाने के लिए। मिठू विक्रम जी आप ही बताइए कि हमारी क्या गलती है जी। ओ अच्छा 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 कोई मुझे जान बूझ के सता रहा है ना। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, डे ड्रीम करने लगे हो। वेक अप। और वैसे भी तुम्हारी इस इमेजिनरी रिंग के चक्कर में मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। मैं जा रही हूँ, बाय। अरे गुंजन भाभी आप ही से बात करनी थी। आपकी प्रॉब्लम क्या है? कैसी प्रॉब्लम? मिठू से, वो आपके कमरे में सिर्फ सोने आई थी, कुछ लेने नहीं। लेकिन आप तो आटा दाल लेकर उस पर बरस पड़ी। बेचारी सो रही थी और आपने उसकी मन्नत तोड़ना चाहा। एक मिनट, मैंने किसी की मन्नत नहीं तोड़ी। एंड मैं कुछ कह सकती हूँ विक्रम? कुंजन मैम प्लीज, तुम्हें सिर्फ मिठू की पड़ी है। कभी हमारे बारे में सोचा है विक्रम? मिठू कोई बच्ची नहीं है जो जब मन में आया रात को जहां जाकर सो गई। उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। और आप तो पढ़ी लिखी है ना, समझती है ना कि ये एक बीमारी है, तो फिर आप दरवाजा बंद करके सोती ना। अब एक सेकंड विक्रम, कुंजन तुम जानती हो क्या कि मिठू को प्रॉब्लम है? वो बेकस हो रहा है, छोड़ो, जाने दो ना, क्यों बात को खींच रही है? मैं पढ़ी लिखी हूँ इसलिए सब समझती हूँ। और मैंने अभी कुछ कहा क्या? जो भी कहना था कल रात को कहा। ठीक है बीमारी है समझते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जहाँ मन में आया जाकर सो जाएगी। और विक्रम तब तक वो गहरी नींद में सो रही थी जब तक हमने उसका घूंघट नहीं उठाना चाहा। और जैसे ही घूंघट उठाने गए उसकी नींद खुल गई और वो कमरे से चली गई। क्या टाइमिंग है, तुम्हें इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लगता? आप क्यों उसके चेहरे के पीछे पड़ी हैं? आप मन्नत मांगती है ना, तो समझती क्यों नहीं कि उसके पीछे उसकी वजह है, एक आस्था है। एंड बाय द वे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या पड़ी है? मुझे किसी की कुछ नहीं पड़ी है, मुझे बस अपने कमरे में अपनी प्राइवेसी चाहिए। इसलिए तुम अपने मिठू को कंट्रोल करो। ठीक है, तो आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। आप मिठू से दूर रहेंगी और वो आपसे। ग्रेट, थैंक यू। तेरे की यहाँ हम इन दोनों के पास रहना चाहते हैं और ये अक्ल का अंधा हमें दूर कराया। वो दू गई का, अब कुछ नया सोचना पड़ेगा। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।